हेलो दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर मैं करता हूँ मोबाइल फोन्स की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ इन्फिनिक्स हॉट सीरीज और रियलमी नार्जो सीरीज के दो बेहतरीन स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास है इन्फिनिक्स हॉट 30 5G और दूसरा रियलमी नार्जो N55। तो आज हम करेंगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ, और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन के प्राइस जान लेते हैं। दोस्तों, अभी सारी सेल खत्म हो चुकी है, जिस वजह से अभी स्मार्टफोन के प्राइस थोड़ा सा ऊपर हो चुके हैं। 12,000 रुपए के करीब आपको इन्फिनिक्स हॉट 30 5G मिलेगा, वहीं 11,000 रुपए के अंदर आपको नार्जो N55 मिलेगा 6GB 128GB वेरिएंट। तो चलिए फटाफट से दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तब तक आप चैनल पे नए आए हो, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। तो जैसे ही हम बॉक्स ओपन करते हैं, सबसे ऊपर हमें स्मार्टफोन रखे हुए नजर आते हैं। इन्हें फिलहाल रखते हैं हम साइड में, और अंदर हमें मिलते हैं क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल, और इन्फिनिक्स हॉट 30 5G में आपको एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकन का TPU केस दिया गया है, काफी अच्छी क्वालिटी का। नार्जो N55 में आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। इसके बाद दोनों स्मार्टफोन के साथ आपको मिलते हैं चार्जर अडेप्टर, अलग अलग साइज के हैं दोस्तों। यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 30 5G आपको ओनली 18 वोट का फास्ट चार्जर दे रहा है, जबकि आपको 33 वोट का सुपर बुक चार्जर मिल जाता है नार्जो N55 में, जो कि स्मार्टफोन को आधे घंटे में ही 50% चार्ज कर लेता है। इसके बाद दोनों में आपको टाइप ए टू टाइप सी USB केबल मिलती है। अब आते हैं हम दोनों स्मार्टफोन पर। तो दोनों स्मार्टफोन का फ्रंट लुक देखिए दोस्तों, साइज में अंतर है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा है साइज में हॉट 30 5G। 5-inch डिस्प्ले के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन, और दोनों पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ है। पावर दोनों की एक साथ ऑन करी थी, यहाँ पर विनर है हॉट 30 5G, काफी फास्ट ऑन हो गया। बैक पैनल पर नजर डालें तो बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन, और काफी यूनिक से बैक पैनल दोनों स्मार्टफोन के आपको मिलेंगे। जहां पर आपको इन्फिनिक्स हॉट 30 5G में लेदर फिनिशिंग वाला बैक पैनल मिलता है, काफी कमाल का। नीचे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग भी बहुत बढ़िया लग रही है। वहीं पर जो नार्जो N55 है, इसमें आपको डुअल टोन फिनिशिंग मिलती है, नीचे अलग फिनिश ऊपर अलग फिनिशिंग, और ये भी अच्छी लग रही है दोस्तों। लाइट का रिफ्लेक्शन इस पर आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। नीचे नार्जो की ब्रांडिंग की गई है। और अब आते हैं कैमरा मॉड्यूल पर। दोनों स्मार्टफोन में बड़े बड़े बराबर साइज के लेंस आपको नजर आएंगे। लेंस में हल्का सा उभार आपको देखने को मिलता है। इन्फिनिक्स हॉट 30 5G आपको प्राइमरी कैमरा दे रहा है 50 मेगापिक्सल का, दूसरा AI लेंस या फिर सपोर्टर कैमरा हम इसे बोल सकते हैं, विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। वहीं पर नार्जो N55 में जो आपको मेन प्राइमरी कैमरा मिलेगा वो है 64 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट दिया गया है। फ्रंट में दोनों ही स्मार्टफोन आपको पंच होल के अंदर देते हैं 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अब दोनों स्मार्टफोन के कॉर्नर भी काफी बढ़िया मिल जाते हैं, जहां आपको राइट साइड में पावर की जस्ट ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स दिए गए हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर को भी पावर ऑन की पर ही अटैच किया गया है। ऊपर की साइड आपको नार्जो में बिल्कुल ब्लैंक, जबकि इन्फिनिक्स हॉट 30 में आपको स्पीकर ग्रिल ऊपर की साइड भी मिल जाता है। यहां आपको डुअल स्पीकर मिलेंगे। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, और सिम ट्रे को ओपन करने पर हम देखते हैं कि दोनों स्मार्टफोन में ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाते हैं, यानी कि 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड तीनों एक बार में आप लगा सकते हैं दोनों स्मार्टफोन। इन्फिनिक्स की सिम ट्रे आपको छोटी लग रही होगी, लेकिन दोस्तों ये बनाई गई है छोटी। अगर देखें तो एक तरफ मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और दूसरी तरफ 2 सिम कार्ड लगाने के लिए स्लॉट दिए गए। बॉटम का सेटअप आपको दोनों स्मार्टफोन का एक जैसा मिलेगा, जहां पर 3.5mm का ऑडियो जैक है, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन को ऑलरेडी हमने बूट करके रखा हुआ है, इनकी जो ब्राइटनेस है इसे हम 100% कर लेते हैं। अब दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले को ध्यान से देखिए दोस्तों, ज्यादा ब्राइटनेस नजर आ रही है नार्जो N55 में। यहां मिलेगी आपको 680 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस, और 580 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस आपको इन्फिनिक्स में मिलती है। कलर ज्यादा बेटर इन्फिनिक्स के लग रहे हैं। एज और बेजल्स को देखें तो कॉर्नर ऊपर से पतले, नीचे चिन थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा आइकन नजर आ रहे हैं, और यहां पर हम स्क्रॉल अप करें तो सारे के सारे जो एप्लीकेशन है वो यहां पर हमें नजर आ जाती है। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन दोनों स्मार्टफोन में भर भर के दी गई है, और यहां पर इन्फिनिक्स एक कदम आगे। यहां प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन के साथ साथ काफी सारे
ब्लोटवेयर एप्लीकेशन भी आपको नजर आ रहे होंगे जिन्हें आप अनइंस्टॉल तक नहीं कर सकते। हालांकि मेरे हिसाब से तो जो अनइंस्टॉल हो रहे हैं उन्हें तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए दोस्तों, ऑलरेडी सारी परमिशन लेके बैठे रहती है ये एप्लीकेशन, बैकग्राउंड में खुद रन करती है और आपको नोटिफिकेशन भेज के तंग करती है, इसीलिए फ्रेश एप्लीकेशन ही डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। टच दोनों स्मार्टफोन का काफी स्मूथ और फास्ट मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है इन्फिनिक्स हॉट 35G में और नार्जो N55 में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले साइज की, तो 6.78 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD के साथ आता है इन्फिनिक्स हॉट 35G जिसमें एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2460 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 396 PPI की आपको इसमें दी गई है। वहीं हम नार्जो N55 के डिस्प्ले को देखें तो 6.72 इंच की फुल HD प्लस IPS LCD दी गई है इसमें, एस्पेक्ट रेशो है 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 392 PPI की आपको इसमें मिलती है। 168.5 mm की हाइट आपको मिलती है इन्फिनिक्स में और 165.6 mm की हाइट आपको नार्जो में दी गई है। 9.1 mm की थिकनेस के साथ काफी मोटा है ये इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन, जबकि मात्र 7.8 mm की थिकनेस आपको नार्जो N55 में मिलती है और ये वेट में भी हल्का है दोस्तों, 189.5 ग्राम का है दोस्तों, जबकि 215 ग्राम का हमारा इन्फिनिक्स है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्फिनिक्स के अंदर 6000 mAh की बैटरी लगी हुई है जबकि नार्जो पर ओनली 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। और अब दोस्तों हम नजर डालेंगे दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग पर, तो दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग को हम एक साथ ओपन कर लेते हैं। अंदर इंटरफेस कुछ ऐसा जहां पर आपको सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, सबसे ऊपर माय फोन का ऑप्शन दिया गया है इन्फिनिक्स में और नार्जो में आपको नीचे की साइड अबाउट फोन सेक्शन मिलता है। यहां पर इन्फिनिक्स में XOS मिलता है दोस्तों, जहां वर्जन आपको मिलेगा 13.1.0, डिवाइस नेम मॉडल नेम मेंशन है, एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये स्मार्टफोन, जहां आपको मिलता है 2.2 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर और मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 का चिपसेट दिया गया है जो बेस्ट है 7nm के फैब्रिकेशन पर। माली G57 के ग्राफिक आपको इसमें मिलते हैं। नीचे कैमरा डिटेल्स मेंशन है, 4GB रैम प्लस 4GB वर्चुअल रैम, रैम पर आपको क्लिक करना है, मैम फ्यूजन का ऑप्शन को ऑन करना है, इसके बाद आप जितना मर्जी चाहो दुगना तक इसकी रैम को बढ़ा सकते हैं, 128GB का स्टोरेज भी आपको इसमें दिया गया है। वहीं हम आते हैं नार्जो N55 की सेटिंग में, यहां आपको रियलमी UI वर्जन 4.0 मिलता है, डिवाइस नेम मॉडल नेम मेंशन है, स्टोरेज 128GB का मिलता है और इसमें आपको 2GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर और मीडियाटेक हीलियो Z88 का चिपसेट मिलता है। ये बेस्ट है 12nm के फैब्रिकेशन पर। माली G52 के ग्राफिक आपको मिलते हैं, 6GB रैम आपको मिलती है दोस्तों और रैम पर क्लिक करो तो आपको यहां पर रैम एक्सपेंशन को ऑन करके पूरा दुगना रैम तक बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन में LPDDR4X की रैम दी गई है। अब दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर एक छोटी सी नजर डालते हैं, तो यहां पर हमने दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा को ओपन कर लिया है एक साथ, तो यहां पर आप देखिए दोस्तों पर्सनली मुझे यहां पर थोड़ा सा बेटर क्लैरिटी लग रही है नार्जो N55 के कैमरा से। आप यहां पर देख सकते हैं नेचुरल कलर प्रोवाइड कर रहा है नार्जो N55। इन्फिनिक्स का कैमरा कलरफुल तो है लेकिन जो नेचुरल कलर है वो उतने अच्छे से नहीं दे पा रहा है। और अब फ्रंट कैमरा को देखें दोनों स्मार्टफोन के, तो पर्सनली मुझे यहां पर इन्फिनिक्स का ज्यादा बेटर लग रहा है सेल्फी कैमरा। यहां 2x का जूम सपोर्ट भी इन्फिनिक्स में आपको फ्रंट कैमरा में मिल जाता है, नार्जो में नहीं मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में फुल HD में वीडियो आप शूट कर सकते हो, इन्फिनिक्स एक कदम आगे निकल गया, 2K में भी वीडियो का सपोर्ट आपको में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे 12,000 और 11,000 रुपए के अंदर आने वाले इन्फिनिक्स और नार्जो के दो बेहतरीन स्मार्टफोन्स। सबसे पहले तो इन्फिनिक्स हमें मिलता है 5G और नार्जो N55 मिलता है 4G, तो ये सबसे बड़ा अंतर हो गया दोस्तों। यहां पर आपकी पसंद मैटर करती है कि आप अभी 4G पर रहना चाहते हैं या फिर शिफ्ट होना चाहते हैं 5G पर, और आपके यहां अगर 5G नेटवर्क आ गया तब तो डेफिनेटली आपको 5G की ओर जाना चाहिए। वहीं पर प्रोसेसर दोनों स्मार्टफोन में ठीक ठाक मिल जाते हैं, रैम ज्यादा मिलती है आपको नार्जो N55, बाकी कैमरा भी बेटर आपको नार्जो N55 का ही मिलेगा दोस्तों, लेकिन बैटरी के मामले में आगे इन्फिनिक्स निकल जाता है। तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आ रहे हैं, कुछ खूबियां यहां पर नार्जो में बढ़िया हैं, कुछ यहां पर इन्फिनिक्स में बढ़िया हैं और यहां पर आप सभी की पसंद मैटर करती है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी वीडियोस रेगुलर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें।